अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, आज हम आपके लिए पेठा बनाने की रेसिपी लाए हैं जो हम इस तरह बनाएंगे। हमको इसमें पेठे में लगने के लिए, पेठा बनाने के लिए उसमें जो कोहड़ा होता है, कद्दू होता है, वो जो सब्जी वाला मिलता है वो नहीं, ये इसको भूरा कोहड़ा हम लोग बोलते हैं। तो ये मैं ऐसे एक कोहड़ा लाई हूँ, इसको पम्पकिन भी बोलते हैं लेकिन भूरा पम्पकिन बोलते हैं। तो इसको हम कट कर लेते हैं। आप जब भी ये पेठा बनाएं तो इसका ख्याल रखें कि कद्दू जो भी लें, भूरा वाला कद्दू जब लेंगे तो बहुत छोटा साइज, जो बच्चा ले, मतलब छोटा साइज नहीं लेना है, बड़ा साइज का लेना है जिसमें जब बड़े बड़े बीज हो। लेकिन हमारा ये कद्दू जो है छोटा है अभी, तो इसमें बीज कम है तो इसके अच्छे नहीं बनते हैं, तो इसको हमें से निकाल देना है। लेकिन हमको यही मिला था तो हम यही ले आए। छिलका निकालने के बाद अब हम इसको छोटे छोटे पीस में ऐसे कट कर लेंगे। देखिए ऐसे जैसे पेड़ उसके होते हैं, कम से कम 12 घंटे के लिए भिगोएंगे। ये देखिए हमारा ये कट करके तैयार हो गया है। हमने सब पीस छील के निकाल करके इसके पीस कर लिए हैं और इसको हमें धुल लेना है। ये हम पानी इतना लेंगे, हमारा जितना कद्दू है उसी हिसाब से पानी लेंगे। पानी थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा और नॉर्मल पानी ऐसे लेना है। और हमको फिटकरी डालना है, मार्केट में ऐसी फिटकरी आती है, ये ऐसी शेप में रहती है। इसको हमें पीस करके 1 चम्मच डालना है हमको इसमें। इससे हमारा जो ये कद्दू है इसमें सफाई बहुत आ जाएगी, साफ हो जाएंगे और वाइटनेस आएगी और इसका टेस्ट थोड़ा, जैसे कद्दू का रहता है उस टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा, वो टेस्ट नहीं आएगा, कद्दू का टेस्ट नहीं आएगा। तो इसको हमको फिटकरी इसको पानी में घोल लेना है और घोल के इसको सारे हमको इसमें डाल देना है और इसको हमें कम से कम 12 घंटा पानी में रहना है, फिटकरी के पानी में 12 घंटा रख देना है। तो चलिए हम अभी इसको 12 घंटे बाद मिलते हैं। हाँ, तो ये जो है हमारा, हमने जो पानी से में भिगोया था 12 घंटा और 12 घंटे के बाद हमने इसको निकाल लिया। तो ये जो है ये इसको हमने फॉक कर लिया, इससे ऐसे पूरे में इसको इससे छेद कर देना है। ये पहले मैं भूल गई थी छेद करने को, हमने बाद में किया, इसको पहले ही छेद कर लेना है इसमें, इससे फॉक से फॉक कर देना है। तो चलिए इसको हम पानी में उबलते हुए पानी में डाल देते हैं। उबलते हुए पानी में हम जो है थोड़ा सा फिटकरी और डाल देंगे, हाफ टी स्पून जो है फिटकरी इसमें डाल करके, ये फिटकरी इसमें डाल देते हैं। ये उबलते हुए पानी में हमें इसे डाल देना है और इसको एक उबाल आने देना है। हम इसके लिए सीला बना लेते हैं। तो हम इसमें, ये हमारा कद्दू जो है कम से कम 1/2 kg का था, तो उसी हिसाब से ऐसे कप से, 200 ग्राम के कप से हम दो कप और एक 1/2 कप, 2.5 कप जो है शक्कर ले लेते हैं और इसमें 1.5 कप हम पानी डाल देते हैं और इसको गैस पे चढ़ा देते हैं सीला बनने के लिए। पानी जो है इसमें बॉयल हो गया है, ये जो पानी रखा था एक उबाल आ गई है, इसको हम ठंडे पानी में डाल के धुल लेंगे। अब इसको हमें ठंडे पानी में डाल देना है, बिल्कुल चिल्ड पानी। पहले हमने 2 बार सादे पानी से धुला और फिर इसमें ठंडा पानी, बिल्कुल चिल्ड पानी हम डाल रहे हैं। डाल करके 5 मिनट रख देना है। ये हमारी चाशनी देखिए पक रही है। हमें इसमें 2 टेबल स्पून दूध डाल देना है और हमें चाशनी को बहुत गाढ़ी नहीं बनानी है, बिल्कुल चिपचिपी हो जाए बस इतना ही बनाना है, बहुत ठीक ना हो, तार नहीं बनाना इसमें, स्टिकी हो जाए बस।
और ये साइड से इसमें मैल अभी निकलेगी, हमने दूध डाला है तो इसमें साइड से बहुत गन ये जो शक्कर की वो मैल रहती है वो निकलेगी, इसको आपको साइड से निकाल देना है ऐसे ताकि हमारी जो सीढ़ा है वो अच्छा बने। ये हमने जो चिल्ड पानी में इसको डाला था देखिए, इसको हम इससे जो है छान देंगे, पानी को छान करके पानी बिल्कुल निकल जाए इसका, हाथ से ऐसे दबा दबा करके तब आप उसमें सीढ़े में इसको डालिएगा। ये हमने इसको हल्के हाथ से बिल्कुल हल्के हाथ से इसको दबाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ ताकत लगा के नहीं करना है, ऐसे पानी इसका निकाल देना है हल्के हाथ से। और ये हमारे देखिए पानी निकले हुए सब तैयार हो गए, इसको हम अब सीढ़े में डालते हैं। और ये हमारी सीढ़ा पक गया है, तैयार हो गया है, ये स्टिकी रहना चाहिए, इसके बहुत तार बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें हम टू ड्रॉप केवड़ा एसेंस डालेंगे, ये केवड़ा एसेंस ऐसे आते हैं, टू ड्रॉप डालिएगा, इसको हमको इसमें सब डाल देना है। डाल करके तेज आंच पर इसको थोड़ा सा पका लेना, तो हमने इसको 15 मिनट तेज आंच पे पकाया और फिर 10 मिनट स्लो आंच पे, बिल्कुल स्लो आंच पे पकाया। और अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे, रात भर के लिए हम इसको पंखे में सुखा लेंगे। तो चलिए इसको हम सूखने के बाद और इसमें पीसी हुई शक्कर से इसको कोट कर देंगे इसमें मिला करके, तब फिर हम कोई जार में एयर टाइट कंटेनर में इसको रखेंगे और आप इसको 1 मंथ रख करके खा सकते हैं। और इसको हमने शक्कर से इसको कोट कर दिया है, शक्कर पीसी हुई शक्कर इसमें मिला करके हमने इसको मिक्स कर दिया है पूरे में, और ये बन के तैयार हो गया है पेठा हमारा। और इसको आप ट्राई कीजिए, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी अगली वीडियो नई वीडियो आने का इंतज़ार करिए, और हम आपके लिए ऐसे ही नई नई रेसिपी लाते रहेंगे। आप अपना ख्याल रखिए और हमको दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।